स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश में। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद मैं आपको बता दूँ, कल असेंबली क्वेश्चनिंग आवर पे हमारे जो 29 बासर असेंबली एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का गोखर बासर जी, जिन्होंने इस रास्ते को लेके कल की क्वेश्चन आवर पे बात किए थे। मैं आया कि मैं खुद वो रास्ता से भी जा सर, वो मोटरेबल भी नहीं है। मैं आज उसी का निरीक्षण करने के लिए आपको मैं सही रिपोर्ट देने के लिए मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गाड़ियाँ जो जा रहे हैं यही रास्ता से, आपका जितने भी गाड़ियाँ हैं मोटर व्हीकल्स है यहाँ के इगो रिजो जो गांव के लोग हैं वो ये रास्ता को यूज़ कर रहे हैं, वरना अगर ये रास्ता ना बनता तो शायद वो लोग यहाँ से नहीं जाना था। तो कल हमारे जैसे विधायक माननीय गोखर बासर जी ने यह कहा कि इस रास्ता को उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन आपने देखा यहाँ पर बाइक वगैरह गया है, यानी कि ये रास्ता अभी उपयोग है। मैं आपको बता दूं, मेरे जो सामने है ये NH 13 रोड है, यानी कि बाम टू अकाजन का ये रोड है, और इसके ठीक मेरे सामने अभी जो देख रहे हैं ये आपके इगो रिजो जाने वाले रास्ते हैं, जहां कल ये जो रास्ता है चर्चा का एक माध्यम रहा था कल। तो मैं उसी पर जितना हमारा पब्लिक है जो दर्शक है मैं उसे बताना चाहूँगा कि इस रास्ता का इम्पोर्टेंट क्या है, और इसे हाँ सच में गांव वाले इसे उपयोग करते हैं ना नहीं करता है। तो मैं गांव वालों से भी मैं पूछूँगा, मैं गांव जाने की कोशिश करूँगा, आप मेरे साथ बने रहें। यह हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी एक बाइक जा रहा है, मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इससे। अच्छा सर, आप लोग ये जो रास्ता बना है, ये जो रास्ता बना है ये रास्ता से ही आप लोग आना जाना करता है? करता है। तो मैंने आप लोग ये रास्ता कितना साल से आप लोग आना जाना करते हैं? लगभग दो साल होने वाला है अभी। और इस पे और एक ये भी कहा गया है कि हमें एक PMJSY रोड भी है, आप लोग क्यों PMJSY रोड से नहीं जाते हैं? वो PMJ रोड जो है अभी वो एक दिक्कत है, माने उसमें बीच में एक कलामाती रह गया, मतलब वो माने वो आली रोड जो है दब गया, दबने के बाद इस गाड़ी आना जाना करने नहीं सक रहे, इसलिए हम लोग उसमें वहाँ से आना जाना प्रॉब्लम होके माने हम लोग जाने नहीं सक रहे हैं। क्योंकि कल की जो असेंबली अवार्ड्स में हमने देखा है कुछ ने ये भी कहा है कि इस पे जो है फंड को मिसयूज़ किया गया, ये रास्ता बनाने में जो फंड लगाया वो बेकार का फंड लगाया, बोला आपको क्या लगता है ये रास्ता में जो फंड लगाया बेकार का लगाया ना सही में लगाया? ये इस रास्ता को हाँ इसमें ये बेकार में नहीं, अच्छा है, लेकिन इसको बनाने से फिर भी हम लोग का लिए और भी अच्छा हो जाएगा, अच्छे से ये पान तो लगाने से और भी अच्छा है, इसको तारकुलिंग ब्लैक टॉपिंग बना देने से फिर भी अच्छा है, बहुत ये अच्छा हो जाएगा बोल के हम लोग ऐसे देख रहे हैं और चल रहे हैं, मतलब यहाँ से आना जाना तो हमेशा हम लोग करते रहते हैं। आप यही गांव का है ना, पास का गांव है? इगो रिजो का हूँ। इगो रिजो का, आपका नाम? बाजीर रिहार। ये बाजीर रिहार, मैं आपको बता चुका हूँ जो बाजीर रिहार है ये इगो रिजो गाँव पे रहता है, और इसका कहना है कि जो PMJSY रोड जो बना है वहाँ पे काला माटी सिंकिंग जोन है, उसके कारण वहाँ से आजकल आना जाना नहीं करता, इसलिए लोग यही रास्ता को चॉइस कर रहे हैं, यानी कि जो फंड है उसे मिसयूज़ नहीं किया गया है, उस फंड को सही तरह से यहाँ पे यूज़ किया गया है। थैंक यू सर। जैसे हमारे जो गाड़ी है हम जब यहाँ पे कवरेज करने के लिए जब हम निकले थे, अभी तक तो हम रास्ते पे ही है, तो साथ साथ मैं आपको बता दूँ रास्ते के किनारे या एक छोटा सा यहाँ पे घर बनाया गया, यानी कि इस घर से बैठ के यहाँ के लोग जो है यहाँ के खेत खलिहान को देखते हैं। तो यहाँ पे गांव के कुछ लोग हम यहाँ पे मौजूद है, उससे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस रास्ते का मान्यता कितना है, इम्पोर्टेंट कितना है। सर ये बताया कि ये रास्ता है अभी आपके सामने, आपके ये जो घर के सामने है, तो यहाँ से आप तो दिन भर यहाँ रहते हो, तो यहाँ से क्या गाड़ी यहाँ से गुजरता है? हाँ जी, हम लोग ये जब रोड बनाया है तब से हम लोग का बस्ती वाला और बाहर से लोग आने वाला भी सब आना जाना करते हैं, और यही रास्ता से जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पे और एक PMJSY रोड बनाया है यहाँ पे, तो यानी कि और सरकार को ये भी बताया गया कि ये जो फंड है मिसयूज़ किया गया इस रास्ते पे, यानी कि ये रास्ता को बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता ये कहना है, तो वो PMJSY रोड से आप क्यों नहीं जाते हैं? PMJ रोड से क्योंकि सर ये है हम लोग का ये मई महीना से ना ये पूरा स्लैड आया बंद है, और आप लोग भी जाके देख सकते हैं अभी, क्योंकि पूरा आदमी जाने का भी लाइक नहीं है, रास्ता पूरा बंद है।
तो यानी कि साल में इस तरह का वहाँ का जो स्लाइडिंग जोन के वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है वो आपका पीएम जैसे रोड पे जाने के लिए। जी जी, तो इसलिए तो अभी ये रास्ते को ही आप लोग अभी इम्पोर्टेंस आप लोगों के जो यहाँ के गांव है यहाँ पे इसके अंदर पे कितने लोग रहते हैं गाँव में? गाँव में जस्ट 200 अबव। यानी कि 200 से ज़्यादा लगभग जो पॉपुलेशन है इस रास्ते के ऊपर पे निर्भर है अभी। जी जी, तो अभी आप लोग जितने जो घर का सामग्री होता है जो खाने पीने का जो वस्तु होते हैं इसी रास्ते से ही आप लोग अभी लाना और जाना करते हैं। जी जी जी, तो दैट मीन्स अभी जो कहा गया कि ये रास्ते को मिसयूज किया गया या फिर फन ये रास्ता को बेकार पे बनाया गया, इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि ये रास्ता नहीं बनाया होता ये आपका हम लोग का बहुत आज तक पैदल ही जाना पड़ता था। अभी तो बिल्कुल हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके जो घर बनाने के सीमेंट लाते हैं ईटा लाते हैं सब हर कुछ बाम्बू बाहर से कुछ खाने पीने का यही से जाता है। मेडिकल जाने का भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हैंगिंग ब्रिज भी बनाया है, स्कूल लड़का लोग सुबह यहाँ से बस्ती से स्कूल जाता है वहाँ से लौट के आता है, नहीं तो पहले हम लोग ये बाहर में रेंट में रखना पड़ता था और लड़का लोग को चराने जाना पड़ता था। अभी तो पूरा बिल्कुल ये रास्ता जब से बनाया है तब से बस्ती वाला दिल खुश है। ये जब ये जब से बनाया है ना तब से ये मैं आपका ये दीपू का सामने में स्लाइड आता है तब से आलोंग ईटानगर जाने वाला यही रास्ते से जाना करता था। जस्ट MLA साहब भी गया है उसमें, ये रास्ते से MLA साहब भी गया था। तब जो कालामती जो है PMJS रास्ता का जो वो तब ठीक था, मैंने तब रेनी सीजन होने से भी थोड़ा तब ठीक था क्योंकि तब तक काम रनिंग था, मैंने साइड में जैसे भी था कुछ कुछ था। तो MLA साहब भी गया है आपका, सब आदमी आलो ईटानगर कौन नहीं जाए, ट्रांसपोर्ट बस भी यहाँ से गया है जाना करता था। तो यानी कि गांव का ये कहना है कि अरुणाचल एक सिंकिंग जोन है, अरुणाचल के जहाँ भी आप रास्ते बनता है वहाँ पे सिंकिंग जोन या लैंड स्लाइड है ज़्यादा आता है। तो ये एक अल्टरनेट रोड जो कनेक्टिविटी करता है डिस्ट्रिक्ट से पूरा स्टेट को, उसके लिए ये रास्ता जो है सही में आपको बनाया गया क्योंकि यहाँ से बस ट्रांसपोर्टेशन आपका मेडिकल इमरजेंसी या MLA जो भी आपका विधायक होता है पासीघाट का हो आपका आलो का हो यही रास्ता से गया है। जी अच्छा, मैं आपको बता दूँ जैसे कल के कुछ क्वेश्चन आवर पे ये भी काफ़ी एक बर्निंग इशू रहा था कि ये मिसयूज़ किया गया इस रास्ते पे फन को, लेकिन यह पे गांव वालों को भी कहना है कि अगर ये रास्ता ना बनता तो उन लोगों का दिन और उन लोगों का जो घर परिवार काफ़ी कष्ट होना था। ये रास्ते की वजह से उन लोगों को मेडिकल अगर इमरजेंसी होते हैं या बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए अगर कुछ होते हैं तो यही रास्ता को उपयोग करता है। तो आप हमारे साथ बने रहे, मैं अभी गाँव जा रहा हूँ यहाँ से और मैं वो PMJS पे रोड भी आपको दिखाना चाहूँगा जिस कारण वहाँ यहाँ के जो लोग हैं गांव का लोग है उस रास्ते को उपयोग नहीं करता है। तो आप हमारे साथ बने रहे। दोनों एक ही बस्ती को हाईवे भी वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक ही विलेज में 2 सड़क बैक टू बैक 2 फाइनेंशियल में बना रहा है सर। मेरा हिसाब से ये मिसयूज ऑफ फंड है, तो मैं भी अपना पब्लिक को जवाब इस 5 साल का कार्य का तुम्हें सर जवाब दार तो मैं हूँ। तो इस सदन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस सड़क को कैसे सर इस बैक टू बैक 2 साल में बनाए, तो ये जो है सर मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ औरत है, यहाँ पे जो महिला है जो काम कर रहे हैं KT पे इसका खेत पे वो भी मौजूद है मैं, और इसके साथ साथ मैं बता दूँ ये Ego Rijjo गाँव के ग्राम यहाँ पे मेंबर भी है यहाँ के। तो उससे मैं पूछना चाहूँगा कि ये रोड का इम्पोर्टेंस क्या है, ये रास्ता कितना ज़रूरी है? बदा ही दो कुमा बोलो उन स्कूल इंदे को कामा गाड़ी मोटर कामा हमरेन में हिम बदा हिम गुन कान में अल्ब का दुई हमरेन में हिम गुन मयो का बंदयो का गुन एंकें कुमा नहीं। इसको अगर सरकार का ये कहना है कि या फिर फन को मिसयूज किया गया ये रास्ता को बेकार पे बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए PMJSY रोड बनाया एक गाँव के लिए 2 रास्ता नहीं दे पाएगा, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? ये रास्ता को मिलना चाहिए आपका गांव का लोगों को, ये रास्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उन कही गिम बदाय ही गिम कदम को मामरम तम अके उन बदाम अलूब ई अके ये मादोब मोज बोलो अल्दू कतत मेरा नाम रचकरला इन में ई तोक बदाय इम्म मादू ई हमरन में होकया भी गाड़ी मोटर इन्ना चाहिए इन तक। मैं जितने मेरा व्यूवर्स है मैं लोकल जो यहाँ के जो जनजाति लोग हैं जिस भाषा में जिस बोली में बात करता हूँ मैं उस भाषा से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ।
him badam ak maroti ni gadda ak bol takala min lai him badam bondo do do ba hi badam mumbe gormen gadda murkom jila amla e departmentem tin him inquiry rit ka am dukun na nai to anku bolo hi alloro ne hi bada ka akma bolo nunu ak yogdir ku nunu ni bada ka ma bol ngun jega indeko ka akmar to do lu chi ni do du ku tu isam chen ngono hok tok dolo to kai parla hok hok kai indala tok par ken dui amrin ma tolo ingola ngono inken ma odo dui bemar he jar ram chen medical hi ne chi dui ek laga bana him alam ma to to hi bada mane nunu men me bada do plek dui hi bada do rup lek do mare ngunu do lu te tu amai re jega pura modi ingam du te ijaga PMJ swa badatem ek na me mempa do mun pi nu nu PMJ swa tok im ho yo laga nu nindu to hi badam mumba mo pai em nam go em duna na ma hi hi ngunuk laga ma important to hi alia do badatem nun chi inka to ka ka to ka i to yo bada matlab do bala rire em du be ruk ma mo ko modi ingam ta ya chi idu chom puke chi idu tok bada adi ko i kama hi do rupa lek hi do ma bolo ngunu do lu ma is problem rei iskula ga dag laga ra ok medical problem longun hoi me use ya dui em hi ge ngunuk laga important ya do तो मैं यहाँ के जो जनजाति है उसकी बोली में मैंने बात किया है तो उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ का जो महिला है का कहना है कि वो जो PMJSY जो रोड बना है उस पर अगर जितनी भी रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो भूमिकलन जो होता है आपका जो सोयल इरोजन होता है होने के कारण से वो रास्ता कभी बन नहीं पाएगा तो यही एकमात्र रास्ता है जहाँ से मेडिकल इमरजेंसी हो या बच्चों की जो पढ़ाई हो या पानी खाने की कुछ भी सुविधा होगा यहाँ का महिला लोग यही रास्ता का उपयोग करता है और ये सरकार से यही अपील करता है ये गांव वाला ये गांव का महिला कि इस रास्ता को बनना चाहिए और इसे सरकार बंद नहीं करना चाहिए और जितने PMJSY रोड को प्रिविलेज दिया गया है इतना इसे भी दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं उसके लिए सही हो तो ये इन लोगों का अपील है थैंक यू तो नख मेर में चिंते पीएम जैसा बदा मत सम ही मोज बोलो सरकार आज जो नंबर तो यही मावे जिंदगी के जीवन है कुना अल्ले करे भी यो करे ये जो ब्रिज यहाँ पे बना है तो ब्रिज बनने से पहले आप लोग स्कूल कहाँ से जाता था सर वहाँ से गुड़ के नहीं तो पानी से जाना पड़ता था नदी से जाना पड़ता अभी ये ब्रिज बन गया है तो आप लोगों को कैसा लग रहा है स्कूल जाने में ठीक है अभी तो ठीक में तो अच्छे है तो अभी ये जो रास्ता है आप ये हमारा सामने आपका सामने भी है ये रास्ता है तो ये रास्ता का इम्पोर्टेंस कितना भी वहाँ पर आपके और एक PMJSY रोड भी बना है आपका गाँव के लिए तो फिर यहाँ पर भी एक रास्ता बनाया गया है तो वो PMJSY रोड और ये रास्ता पर अगर देखा जाए तो ये रास्ता कितना इम्पोर्टेंट है और PMJSY जो बना है वहाँ पे सिंकिंग जोन भी है उसके कारण शायद वहाँ पे नहीं जा सकता है तो स्कूल के लिए भी देखते हुए रास्ता कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए स्कूल तो बहुत इम्पोर्टेंट है रास्ता हम लोग के लिए तो नहीं तो स्कूल भी कैसे जा सकेगा तो अभी ये रास्ता बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए आने वाले दिनों में बनना चाहिए बस्ती वालों के लिए भी ठीक है हम लोग के लिए भी ठीक है हाँ अभी ये जो ब्रिज क्रॉस करने से आपका अभी जैसे यहाँ पे मेडिकल का अगर स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो अभी शायद आप लोग यही ब्रिज से चॉइस करता होगा जाने के लिए हाँ यहाँ से ही जाते हैं तो अभी आप लोगों का कहना ये है कि ये रास्ता जो है आने वाला दिन में भी सरकार इसको इम्पोर्टेंस देते हुए रास्ता को आगे बढ़ाना चाहिए हाँ तो ये बच्चों का भी यही कहना है जैसे कि ये जितने भी स्कूल है पहले दिनों में यह लोग वहाँ से गुजरते हुए जाते थे यानी कि जो आपके 20 मिनट का रास्ता को ये लोग शायद स्कूल पहुँचने में घंटे से अधिक आपको वक्त लग जाता था लेकिन आज ये रास्ता बनने के कारण और इस ब्रिज के कारण इन लोग 6 मिनटों में स्कूल से अपने घर जा सकते हैं और बच्चों का भी यही कहना है कि सरकार इन बच्चों की बात को मानते हुए कि इस रास्ता को इम्पोर्टेंस देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए ये बच्चे लोग भी यही चाहता है और मैं चाहता हूँ कि सरकार बच्चे के बात को ज़रूर सुने और इस रास्ता को आगे ज़रूर बढ़ाए थैंक यू